सो हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सभी काफ़ी ज़्यादा अच्छे होंगे। सो गाइस, मैं हूं जोहान और आप देख रहे हैं जोहान टेक्निकल यूट्यूब चैनल। सो गाइस, आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं कि हम HDFC बैंक के कस्टमर केयर पे कैसे बात कर सकते हैं। क्योंकि गाइस, मैं आपको बता दूं, सबको नंबर तो पता होता है लेकिन कॉल लगती नहीं है। तो आज मैं आपको यही चीज़ बताऊंगा, आप लोग HDFC बैंक के कस्टमर केयर पर कॉल कैसे कर सकते हैं और आप डायरेक्ट बात कर सकते हैं कस्टमर केयर से। तो गाइस, चलिए स्टार्ट करते हैं और मैं आपको बताता हूँ। तो गाइस, अगर मैं आपको नंबर नहीं पता तो आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हैं, आप लोगों के सामने स्क्रीन पर आ चुका होगा HDFC बैंक के कस्टमर केयर का नंबर। तो गाइस, चलिए हम स्टार्ट करते हैं कॉलिंग और आपको बिल्कुल लाइव दिखाते हैं कैसे आप कनेक्ट कर सकते हैं और आप बात कर सकते हैं। ठीक है गाइस, तो चलिए अब हम मोबाइल की स्क्रीन पर आ चुके हैं और अभी हम कॉल लगाते हैं। ठीक है, यहाँ देख सकते हैं कॉलिंग लग रही है यहाँ पे। नमस्कार, HDFC बैंक में आपका स्वागत है। तो इंग्लिश डायल वन, अगर आपको इंग्लिश में बात करनी है तो एक दबाइए और हिंदी के लिए तो दो दबाना है। ठीक है, तो हमें हिंदी के लिए दो दबा देते हैं यहाँ पे। प्रिय ग्राहक, हमारे IVR कॉल प्रवाह को हाल ही में, तो ये ध्यान से सुनिए आप लोग, हम चाहते हैं कि आप ध्यान से सुने ताकि सही विकल्पों का चयन किया जा सके। कार्ड ब्लॉकिंग, अनधिकृत या धोखाधड़ी वाले लेनदेन की रिपोर्ट करने और नेट बैंकिंग बैंक खाता या UPI ब्लॉक करने के लिए एक दबाएं। आपको ब्लॉक तो नहीं करना लेकिन आपको एक ही दबाना है यहाँ पे। ठीक है, उत्पादों की कृपया ध्यान दें, आपने जो विकल्प चुना है वो सिर्फ अपने कार्ड खो जाने या चोरी हो जाने की। आपको टू दबाना है, सबसे पहले लैंग्वेज सिलेक्ट करनी है, फिर आपको बंद दबा देना है कार्ड ब्लॉकिंग वाला। ठीक है, ब्लॉक नहीं करना लेकिन मैं बता रहा जैसा आपको करना है। ठीक है, अपने कार्ड को आगे भी ब्लॉक रखने के लिए एक दबाएं। अपने बैंक खातों, आपको क्या करना है, ब्लॉक करने के लिए एक नहीं दबाना, दोबारा से आपको दो दबाना, 212 दबा देना है। ठीक है, क्रेडिट कार्ड के लिए दो दबाएं, बैंक खाते, आपको क्या करना है, दोबारा से 2 दबा देना है। ठीक है, पहले आपको 2 दबाना है, फिर 1 दबाना है, फिर 2 दबाना है, फिर से 2 दबाना है। जानकारी के लिए 5, कृपया अपना पूरा क्रेडिट, अब ये बोल रहे हैं आपका क्रेडिट कार्ड नंबर डालिए यहाँ पर, और या फिर अपना अपना जो आपकी कस्टमर आईडी होती है ना, कस्टमर आईडी डालिए। तो यहाँ पे मैं अपनी कस्टमर आईडी डाल देता हूँ जो आपके पासबुक पे आसानी से मिल जाएगी। ठीक है, कस्टमर आईडी डालने के बाद आपको हैश दबा देना है। ठीक है, मैंने हैश दबा दिया, कस्टमर आईडी डालने के बाद हैश दबाना है आपको। कृपया आपके पंजीकृत मोबाइल नंबर पर भेजा गया 6 अंकों का OTP एंटर करें। सो गाइस, देख सकते हैं यहाँ पे OTP आ चुका है मेरे नंबर पे और मैं आपको सफलतापूर्वक मान्यता दे दी है। आपके क्रेडिट कार्ड पर लेन देन और बकाया का ब्यौरा जानने के लिए एक दबाएं। इस कॉल को IVR पर ही जारी रखने के लिए दो दबाएं। आपको दो दबा देना है गाइस यहाँ पर। आपके क्रेडिट कार्ड का बैलेंस जानने और भुगतान करने के लिए एक दबाएं। आपको ये सुनते रहना है और आप लोगों को कुछ भी नहीं करना है। क्रेडिट कार्ड पिन रीसेट करने के लिए दो दबाएं। अपने कार्ड की लेन देन और लिमिट संचालन करने, व्यक्तिगत ब्यौरा अपडेट करने और अपनी नेट बैंकिंग यूजर आईडी को फिर से पाने के लिए 3 दबाएं। अपने क्रेडिट कार्ड पर लोग ऑफर और रिवार्ड पाने के लिए 4 दबाएं। शिकायत या विवादित लेन देन की रिपोर्ट करने के लिए 5 दबाएं। आपको यहाँ पे 5 दबा देना है। शिकायतों की रिपोर्ट करने के लिए एक दबाएं। ठीक है, यहाँ पे आपको एक दबा देना है। करने के लिए 2 दबाएं। पिछले मेनू पर वापस कृपया प्रतीक्षा करें जब तक हम आपकी कॉल हमारे फोन बैंकर को ट्रांसफर कर रहे हैं। सो गाइस, देख सकते हैं यहाँ पे कॉल कनेक्ट हो रही है और मैं आपको लाइव बात करके दिखाऊंगा, क्योंकि लोग कस्टमर केयर पे नंबर तो मिल जाता है लेकिन कॉल कनेक्ट नहीं हो पाती है। तो गाइस, बिल्कुल लाइव दिखाऊंगा आप लोगों को, तो देख सकते हैं कॉल कनेक्ट होगी और आपको मैं बात भी करके दिखाऊंगा। तो गाइस, देख सकते हैं कॉल लगने लगी है जो कि कॉल डायरेक्ट कनेक्ट हो चुकी है, ना कि ये नहीं कि खाली मतलब ऊपर से कंप्यूटर बोला जा रहा है, कंप्यूटर नहीं बोलेगा, डायरेक्ट बात हुई है कस्टमर सर्विस से। एक्चुअली कह रहे हैं गाइज, अभी रात का टाइम है तो थोड़ा वेट कर लेते हैं, मैं थोड़ी की स्किप कर देता हूँ यहाँ पे वीडियो को और फिर मैं आप लोगों को इससे आगे दिखाता हूँ। जैसे ही कॉल कनेक्ट होती है मैं आपको बात करके दिखाता हूँ। हेलो जी, शकील जी। जी सर, मुझे ये पूछना था, क्या कहते हैं, मेरे क्रेडिट कार्ड का जो बैलेंस है वो कितना है इस टाइम पर? 25,000 अवेलेबल बैलेंस है आपके क्रेडिट कार्ड। जी जी सर, मेरा बस मैं ये पूछना है सर, मेरा कोई ड्यू तो नहीं आ रहा मेरे क्रेडिट कार्ड पर? मेरा सब फुल पेमेंट है ना, क्लियर तो है ना, ये बस यही कंफर्म करना है मुझे। पूरा पूरा अभी पूरा क्लियर है सर, 25,000 अवेलेबल बैलेंस दिखा रहा है। 25,000 दिखा रहा है ना?
ठीक है, ओके सर, बस यही कंफर्म करना था। एक्चुअली एप्लीकेशन मेरा खुल नहीं रहा था, कुछ इशू आ रहा था, इसलिए मैंने कॉल करके पूछा है आपसे। ओके सर, ठीक है, थैंक यू। नो सर, थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट। सो गाइस, जैसा कि आपने देखा, बिल्कुल मैंने आपको लाइव बात करके दिखाया कस्टमर केयर पे कैसे आप लोग बात कर सकते हैं। यही एक छोटी सी ट्रिक है और आसानी से आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं और आप बात भी कर सकते हैं। सबसे पहले आप लोगों को क्या करना है, 2122 दबाना है, फिर वो आपसे कहेगा कस्टमर आईडी दीजिए या क्रेडिट कार्ड नंबर दीजिए, तो आपको कस्टमर आईडी डाल देना है, फिर *# दबा देना है, ठीक है। फिर आपका जो मेन नंबर होगा, जो आपका बैंक से रजिस्टर्ड होगा, उस पर एक OTP आएगा। OTP डालने के बाद आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को जो उसके अंदर ऑप्शन आएगा, तो 1 दबा देना, फिर आपको 5 दबा देना, देन आपकी कॉल कनेक्ट हो जाएगी और आप आसानी से बात कर सकते हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। गुड बाय एंड टेक केयर।